तो आज मैं आपको बताऊं कि आप अपने गाड़ी में एलईडी हेडलाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे लगाना बहुत इजी है, आपको सिर्फ अपना जो हेलोजन बल्ब है उसे निकाल के इसे लगा देना है। इसके साथ सॉकेट वगैरह से मिलता है, बस प्लग इन प्ले वाला काम है। तो ये आप बॉक्स देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ एलईडी हेडलाइट 36 वॉट 3800 लूमेंस का है इसमें पावर, और पीछे को स्पेसिफिकेशन दी है तो मैं आपको उसे खोल के दिखाता हूँ जल्दी से। तो अभी ये देख सकते हैं कि बॉक्स का डैमेज हो चुका है पता नहीं शिपिंग में। मैं एक्चुअली 50 वाट का मंगाने वाला हूँ जल्दी, तो ऐसा कुछ इसका लीफलेट मिलता है सामने में, और ये एलईडी लाइट्स हैं। तो ऐसा कुछ एलईडी को मिलेगी लाइट्स, तो इसका कनेक्टर देख सकते हैं, दोनों एलईडी बल्ब दिए हैं यहाँ पर आपको। इसे आपको इसके जो इसमें जो लाइट्स उसमें कभी टच नहीं करना है, ये आपको ऐसे दिखेगी एलईडी लाइट्स। और ये इसका सॉकेट है, प्लग इन प्ले, टोटल H4 सॉकेट है। मेरी ये ऑल्टो है तो उसमें H4 सॉकेट लगता है, ऐसा है। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ इसे इंस्टॉल करके, फिर मैं आपको रात में एक बार इसका रिस्पांस दिखा दूँगा कैसा दिखता है रात में और कितनी पावरफुल है। तो अभी रात हो चुकी है गैस, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऑन करके कि कैसा इसका रिस्पांस है। तो अभी मैंने पार्किंग ऑन की है, ये उसकी डिपर है, ये अपर है, ये डिपर है अपर, और ये बंद कर देते हैं और डाटा मैं फ्लैश करके दिखाता हूँ आपको। ये डाटा फ्लैशिंग का है, तो ऐसे कुछ लाइट्स हैं। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ एक बार कैसा इसका वो है। तो जैसा आपने देखा कि इसमें रोशनी तो ऐसे अच्छी है, अपना जो जैसे अगर कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह आती है या हाईवे में जाएंगे तो उसमें दब जाती है लाइट, बाकी वैसे अंधेरे में तो आपको अच्छी लगेगी, कोई इशू नहीं होगा उसमें। 36 वॉट से अब ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, इतनी बहुत है ये तो। वैसे एक्चुअली मैं आपको उम्मीद नहीं थी इतनी 36 वॉट में इतनी रहेगी, फिर भी बहुत ज़्यादा डिलीवर कर रही है 36 वॉट के हिसाब से, तो अच्छी है लाइट। देखते हैं अब, ये जो बल्ब है एलईडी वाला वो 36 वॉट्स का है, इसमें 50 वॉट का भी आता है, तो मुझे ये ठीक लगा। मैं एक्चुअली 50 वॉट्स का लगाऊंगा इसमें एक बार, फिर आपको बताऊंगा रिस्पांस कैसा है उसका, क्योंकि मुझे तो ये हाँ ठीक ठाक है। बाकी एक बार 50 वॉट्स से मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो। बस यही है,